दोस्तों 21 जून रविवार के दिन साल का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों ऐसा ग्रहण पूरे 25 साल पहले अक्टूबर 1995 में लगा था, जब दिन में अंधेरा हो गया था। बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के समय जो ग्रह की स्थिति है वो आज से करीब 58 साल पहले बनी थी। 6 ग्रहों के एक साथ वक्री होने से ग्रहण का सारा असर सभी राशियों पर साफ साफ दिखाई देने वाला है। इस ग्रहण में अगर आप ये खास उपाय कर लेते हैं तो खासकर आपकी धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, भले ही वह कर्ज से संबंधित हो या फिर घर पर पैसा ना टिक रहा हो। तो आपको चुपचाप एक छोटा सा उपाय आज रात को कर लेना है। खासकर सूर्य ग्रहण में किया गया यह उपाय आपके लिए तुरंत कार्य करता है, यानी ग्रहण के दौरान इस उपाय को करने से इसका असर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ग्रहण आरंभ कब होगा। ये ग्रहण दोस्तों आज सुबह 9:15 से शुरू हो चुका है और दिन में 3:03 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण 3:33 तक का रहने वाला है। इस ग्रहण का घातक असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं कि इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक होगा वह 12 पहले लग जाता है, इसलिए जो सूर्य ग्रहण का सूतक है वह शनिवार को ही 20 जून को रात को 10:20 से आरंभ हो चुका है, जो ग्रहण काल के समाप्त होने पर ही समाप्त होगा। ऐसे में दोस्तों ग्रहण के दौरान किया गया विशेष उपाय आपको विशेष फल दिला देगा, इसलिए खासकर शाम के समय यानी 21 जून की शाम को आपको ये उपाय करना है। अगर रात के समय आप यह उपाय करें तो और भी अधिक लाभ आपको मिलेगा रात को, पर आपको यह उपाय चुपचाप करना है। आपको 2 दीपक लेने हैं, दोनों ही दीपक आप घी से प्रज्वलित कर ले, अपने घर के मंदिर में पूजा इत्यादि कर ले। अब आपको 4 लौंग लेने हैं, 2 लौंग एक दीपक में और 2 लौंग दूसरे दीपक में आपको डाल देना है और दोनों ही दीपक जला लेने हैं। अब आपको इस एक मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र दोस्तों इस प्रकार है, ओम धनाय नमो नमः। दोस्तों इसे करीब 21 बार आपको जपना है। उसके बाद पहला आप अपने मंदिर में ही यानी पहला दीपक आपको अपने मंदिर में ही रखे रहना है। इससे आपके घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो सूर्य ग्रहण के सूतक की वजह से है, वह सभी नष्ट हो जाएंगे और घर में फैली सभी जो भी परेशानियां थी वह नष्ट होंगी। इसके साथ ही आपको जो दूसरा दीपक है वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखना है। दोस्तों इस उपाय से घर पर आने वाली सभी बीमारियां या फिर जितनी भी परेशानियां थी वो दूर होंगी। उसके साथ ही यह दीपक माता लक्ष्मी को आपके घर पर आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से धन से संबंधित हर परेशानियां आपकी दूर होंगी। दोस्तों ध्यान रखें, जो आपने घर के बाहर दीपक जलाया है उसे आपको सुबह तक यानी कि 22 जून सोमवार तक आपको उसे सुबह तक वहीं पर रखना है। दोस्तों इस उपाय मात्र से आपकी हर परेशानी और संकट दूर होंगे, साथ ही सूतक का जो बुरा प्रभाव है वह आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।